सो हमारे दो चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर थर्ड चैप्टर दैट इज आवर चेंजिंग अर्थ. ओके, सो द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन डाउन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स. हमारे चेंजिंग अर्थ में कैसे चेंजेस हो रहे हैं हम इस बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, हमने अपने लास्ट चैप्टर में लास्ट दो चैप्टर में स्टडी किया था कि लिथोस्फीयर क्या होता है ना, इट इज द लैंड ऑन विच वी लिव. ठीक है, इट इज अबाउट द क्रस्ट. ठीक है, तो लिथोस्फीयर इज ब्रेक डाउन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर. दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ. अर्थ के अंदर अंदर क्या होता है, मोल्टन मैग्मा होता है. ये इतना हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है कि लिथोस्फीयर इज ब्रोकन डाउन इनटू प्लेट्स. ठीक है, और ये प्लेट्स कुछ मिलीमीटर्स ही मूव करती हैं एवरी ईयर. ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा. द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्क्यूलर मैनर. ठीक है, द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेस चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच कॉज देम. ठीक है, अर्थ के जो मूवमेंट्स है दे आर डिवाइडेड ऑन द फोर्सेस. कौन से फोर्सेस कौन से मूवमेंट्स बनाते हैं. ठीक है, सो द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेस एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर नोन एज एक्सोजेनिक फोर्सेस. ठीक है, नाउ कमिंग टू एंडोजेनिक फोर्सेस. बहुत अच्छे से यहाँ पे टेबल दिया गया है आपको, यू कैन रेफर दिस, दिस इज अ फ्लो चार्ट. ठीक है, सो एंडोजेनिक फोर्सेस में आता है सडन फोर्सेस एंड डिस्ट्रोफिक फोर्सेस. ठीक है, नाउ एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस में आता है इरोजनल एंड डिपोजिशनल फोर्सेस. ठीक है, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट मोर और फिर से बाद में हम लोग इस फ्लो चार्ट पे आते हैं. ठीक है, नाउ एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स and at the other times they produce slow movements. Sudden movements like earthquakes and volcanoes can cause mass destruction over the surface of the earth. A volcano is a vent or opening in the earth's crust through which molten material erupts suddenly. So this is the definition of volcano. Similarly, when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates. The vibrations can travel all around the earth. क्योंकि एक प्लेट मूव हो रहा है, ये दोनों मूव हो रहे हैं, तो इसके बाजू वाले प्लेट्स भी थोड़ा वाइब्रेट करेंगे, राइट? सो दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स. द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस. ठीक है, जहां पर मूवमेंट स्टार्ट होती है उसको हम कहते हैं फोकस. द प्लेस ऑन द सर्फेस अबाउ द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर. जहां पर फोकस है उसके ऊपर वाले प्लेस को हम कहते हैं एपिसेंटर. ठीक है, आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से डायग्राम दिया गया है. ठीक है, यू कैन सी दिस पॉइंट इज नोन एज द फोकस. ठीक है, उसके ऊपर जो है दैट इज नोन एज द एपिसेंटर. ठीक है, वाइब्रेशंस ट्रैवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स. ठीक है, ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई एक प्लेस में, समझो ए प्लेस का नाम है ए, ए में अगर अर्थक्वेक आया है तो ए के सराउंडिंग प्लेस को ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, कोई प्लेस बी को इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर वो बहुत दूर है. ठीक है, पास में है तो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा पर ए जितना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट? क्योंकि यहाँ पर अगर अर्थक्वेक हो रहा है तो यहाँ पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, राइट? यहाँ पर ज्यादा कम इफेक्ट पड़ेगा एज कम्पेयर टू दिस पार्ट. ओके, नाउ कमिंग टू वर्ड ओरिजिन अगेन. नाउ एंडोजेनिक, ठीक है, एंडो मतलब होता है इनसाइड, जेनिक मतलब ओरिजिन. ऐसे फोर्सेस जो अंदर ओरिजिन होते हैं, अंदर राइज होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस. और एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, इसलिए ऐसे फोर्सेस जो आउटसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जनरेट होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस. ठीक है, नाउ कमिंग टू ऑल द अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, द इम्पैक्ट कैन सर्टनली बी मिनिमाइज्ड इफ वी आर प्रिपेयर्ड टू इट बिफोर हैंड. Some common earthquake prediction methods adopted locally by people include studying animal behavior. ठीक है, तो you know animals जो हैं, ऐसा बहुत studies में कहा गया है कि animals को पहले ही पता चल जाता है कि कोई earthquake या tsunami आने वाला होता है. ठीक है, इसलिए animal behavior study करने से भी पता चलता है कि is there going to be a earthquake or not. Fish in the ponds get agitated. Snakes come out on the surface. तो अगर ऐसा सब होने लग गया है तो there is a prediction of an earthquake. ठीक है, तो this is an earthquake case study.
दैट इज अर्थक्वेक हिट्स भुज, फायर इन द सिटी, इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन क्वेक जोन. ठीक है, सो अ मैसिव अर्थक्वेक मेजरिंग 6.9 ऑन रिचर स्केल हिट भुज टाउन ऑन 26 जनवरी 2001. ठीक है, स्कूल वर्स्ट अफेक्टेड, अपील टू द सेंटर. ठीक है, सो दिस इज द केस स्टडी. Now coming to activity, you can just do this activity. Coming to do you know, an earthquake is measured with a machine called seismograph. The magnitude of earthquake is measured. Magnitude यानी कितना ज़्यादा हो रहा है earthquake. बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है, इसको magnitude बोलते हैं. तो कितना बड़ा earthquake है या कितना छोटा earthquake है, this is measured on Richter scale. RICHTER, Richter scale. ठीक है, an earthquake of 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली ऑन लिटिल. ठीक है, बहुत कम होता है वो. एन अर्थक्वेक ओवर अबाव 5.0 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग. ठीक है, अ 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड इज कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड 7.0 इज क्लासिफाइड एज अ मेजर अर्थक्वेक. ठीक है, नाउ यू कैन ऑल्सो सी अ पिक्चर ऑफ 3.3A डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक इन गुजरात. ठीक है, यू कैन सी द लॉस टू द बिल्डिंग, कितना लॉस हुआ है. राइट, नाउ अर्थक्वेक प्रिपेयरनेस. ठीक है, वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, सेफ स्पॉट. तो यहाँ पर जो भी है बोल्ड में दिया है, दे आर डिफरेंट प्रेडिक्शंस, सॉरी प्रिपेयरनेस फॉर अर्थक्वेक. ठीक है, अंडर अ किचन काउंटर. ठीक है, सेफ स्पॉट कहाँ होते हैं व्हेन देयर इज एन अर्थक्वेक? अंडर द किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एंड इनसाइड कॉर्नर और वॉल. ठीक है, वॉल से चिपका नहीं होना चाहिए, वो वॉल से दूर होना चाहिए. ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस, एरियाज अराउंड चिमनीज, विंडोज दैट शैटर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर फ्रेम्स, इनसे दूर रहें. बी प्रिपेयर्ड मतलब स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्ग योर फ्रेंड्स. ठीक है, एंड फैमिली मेंबर्स, एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली. ठीक है, अपने ऊपर विश्वास रखो. नाउ कमिंग टू मेजर लैंडफॉर्म्स, द लैंडस्केप इज बींग कंटिन्यूसली वोर्न अवे बाई टू प्रोसेसेस, वेदरिंग एंड इरोजन. Weathering is the process of breaking down of rocks on the earth's surface to form soil. ठीक है, result क्या होता है? End result soil formation होता है. Erosion is the wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice. The eroded material is carried away or transported by water, wind etc. and eventually deposited. ठीक है, अगर सॉइल इरोजन हो रहा है तो सॉइल इरोजन कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, वहां पर सॉइल जो है डिपॉजिट हो जाएगा. दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. नाउ वर्क ऑफ अ रिवर, द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप. ठीक है, द रनिंग वाटर ऑफ द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप. इरोड्स मतलब सॉइल अपने साथ लेके जाता है. When the river tumbles at steep angle over very hard rocks or a steep valley, it forms a waterfall. ठीक है, as you can see from the picture. ठीक है, when the river tumbles at a steep angle मतलब sudden fall. ठीक है, जब sudden fall होता है वहां से अगर river निकल रहा है. ठीक है, और hard rocks होते हैं, it is a steep valley. ठीक है, valley यानी जब land नीचे जाता है. Right, when there is a steep sudden valley, तो वहां पर form होते हैं waterfall. ठीक है, as the river enters the plain, it twirls and turns, forming large bends known as meanders. Due to continuous erosion and deposition along the sides of the meander, the ends of the meander loop come closer and closer. So this is the best picture, as you can see, जैसे rivers bend होती जा रही हैं, इसलिए क्या form हो रहा है? Meanders form हो रहे हैं. ठीक है, now in due course of time, the meander loop cuts off the river and forms the cut-off lake. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले ये river joint था. ठीक है, बस क्या हो गया वहां पे, कट ऑफ हो गया वो मियांडर. ठीक है, और अपना उसने सेपरेट लेक फॉर्म हो गया वहां पे. दिस लीड्स टू एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोस. ठीक है, द कट ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक. ठीक है, ये हो गया कट ऑफ लेक एंड ऑल्सो कॉल्ड ऑक्स बो लेक. अ कट ऑफ लेक फॉर्म्ड फ्रॉम द रिवर ड्यू टू इट्स फॉर्मेशन ऑफ मियांडर इज नोन एज ऑक्स बो लेक. ठीक है, ऐसा लेक जो रिवर से कट ऑफ हो गया है इज नोन एज एन ऑक्सबो लेक. ठीक है, एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज फ्रॉम इट्स बैंक्स. है ना, बहुत ज्यादा अगर बारिश हो रही है तो ओवरफ्लो हो जाते हैं रिवर्स. दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ नेबरहुड एरियाज. एज इट फ्लड्स, इट डिपॉजिट्स द लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटीरियल्स कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक्स. ठीक है, सेडिमेंट्स क्या है, हमने पढ़ा था रॉक्स.
right? Rocky pieces. This leads to the formation of a flat, fertile floodplain. ठीक है, a flat, fertile floodplain. Floodplain यानी जिसमें यू नो अभी अभी फ्लड होके गया हो एंड सॉइल इज डिपॉजिटेड, सेडिमेंट्स आर डिपॉजिटेड. ठीक है, द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेवीज. एज यू कैन सी यहाँ पर जो है यहाँ पे फ्लड होके गया था एंड सॉइल हैज बीन डिपॉजिटेड, सेडिमेंट्स हैव बीन डिपॉजिटेड, इसलिए वहाँ का लैंड ऊपर आ गया है. दिस इज कॉल्ड अ लेवी, लेवीज. ठीक है, एज द रिवर अप्रोचेज द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस एंड द रिवर बिगिन्स टू ब्रेक अप इंटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज. ठीक है, द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगिन्स टू डिपॉजिट इट्स लोड. ठीक है, ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ. ठीक है, द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म्स अ डेल्टा. मतलब क्या है इसका, आप देख सकते हैं फिगर 3.6, देयर इज अ डेल्टा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द रिवर क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है. दिस इज द रिवर, वो अब क्या ब्रेक डाउन हो गया. ठीक है, और रिवर का स्पीड इतना कम हो गया है कि वो अपने अंदर के सेडिमेंट्स बाजू में ही डिपॉजिट कर रहा है, तो इसलिए सेडिमेंट्स जो है बाजू में डिपॉजिट हो गए हैं एंड इट इज फॉर्मिंग अ लैंड पीस. ठीक है, लैंड फॉर्म हुआ है वहां पे, तो दिस लैंड इज नोन एज अ डेल्टा. ठीक है, मेन रिवर से फॉर्म हो गए डिस्ट्रीब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज ने जो अपना डिपॉजिट किया द सॉइल और सेडिमेंट्स, उससे फॉर्म हो गए डेल्टा. ठीक है, इन इंडिया वी हैव आवर सुंदरबन डेल्टा. ठीक है, नाउ वर्क ऑफ सी वेव्स. ठीक है, सी वेव्स का क्या वर्क होता है, अभी हमने देखा वर्क ऑफ रिवर्स, नाउ वी विल सी वर्क ऑफ सी वेव्स. द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स. सी वेव्स कंटिन्यूअसली स्ट्राइक एट द रॉक्स. ठीक है, जो भी रॉक्स है कंटिन्यूअसली स्ट्राइक होते हैं, राइट. नाउ क्रैक्स डेवलप इन द रॉक्स, ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर. ठीक है, दस हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स, दे आर कॉल्ड सी केव्स. हियर यू कैन सी सी केव्स, पिक्चर में दिया गया है 3.7. ठीक है, फिगर. एज दीज कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर, ओनली द रूफ ऑफ द केव रिमेन्स, दस फॉर्मिंग सी आर्चेस. ठीक है, ये यू कैन सी अ सी आर्क इज ऑल्सो देयर. ठीक है, फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ ऑल्सो एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट. ठीक है, दीज वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स. तो पीछे आप स्टैक्स भी देख सकते हैं पिक्चर में. ठीक है, द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबाउट द वॉटर इज कॉल्ड अ सी क्लिफ. ठीक है, द स्टीप रॉकी कोस्ट, अभी रॉक जो है रॉक का सिर्फ यू नो ओनली स्टैक रिमेनिंग है अभी, राइट. तो वो स्टैक जो है, द रिमेनिंग स्टैक इज फॉर्म्ड बाय रॉकी कोस्ट. ठीक है, वो स्टैक इज फॉर्म्ड, कोस्ट बन जाता है वहां पे, है ना, रॉक का कोस्ट बन जाता है. ठीक है, एंड इट इज नोन एज अ सी क्लिफ. द स्टीपी, द स्टीप रॉकी कोस्ट, सारे रॉक्स जो हैं क्या बन गया, सी केव बन गया, सी आर्क बन गया, पर बचे कुछ रॉक्स कहाँ गए जो उस पूरे रॉक को कंप्लीट कर रहे थे, वो सारे रॉक्स डिपॉजिट हो गए यू नो फॉर्मिंग अ कोस्ट. ओके, द सी वेव्स डिपॉजिट द सेडिमेंट्स अलोंग द shores forming beaches. Okay, now coming to the work of ice. Glaciers are rivers of ice. ठीक है, what do you mean by this? Glacier जो है mountain के ऊपर, they are rivers of ice which too erode the landscape by bulldozing soil and stones to expose the solid rock below. ठीक है, हमने देखा होगा बहुत सारे you know online हमने देखा होगा कि बड़े बड़े ice के stones गिर रहे हैं ऊपर से, right? They also called cause erosion. ठीक है, ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप हॉलोज देयर. ठीक है, क्या हो जाते हैं कि पत्थर गिर जाते हैं तो डीप हॉलोज बन जाते हैं. ठीक है, एज द आइस मेल्ट्स दे गेट फिल्ड अप. ठीक है, जो होल्स जो है वो मेल्टेड आइस यानी पानी से फिल अप हो जाते हैं. ठीक है, एंड बिकम ब्यूटिफुल लेक्स. ठीक है, इन द माउंटेन्स द मटीरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल सैंड एंड सिल्ट गेट्स डिपॉजिटेड. ठीक है, फिर से क्या हो जाता है, पानी है मतलब रिवर फॉर्म हो गया, अगेन रिवर टेक्स दिस डिपॉजिशंस इनटू द सी. ठीक है, दिस डिपॉजिशंस फॉर्म ग्लेशियल मोरेन्स. ठीक है, अभी जो पानी जिसमें जो लेक्स बन रहे हैं, लेक्स में भी डिपॉजिशंस हैं, तो ये जो डिपॉजिशंस हैं दे कंटेन सैंड सिल्ट एंड स्मॉल एंड बिग रॉक्स. ठीक है, तो ये सारे मिलके क्या बना देते हैं, ऐसा डिपॉजिट जिसको हम कहते हैं ग्लेशियल मोरेन्स.
Now coming to work of wind. Now what is the work of wind? Have you ever visited a desert? Try to collect some picture of sand dunes. An active agent of erosion and deposition in the desert is wind. In deserts, you can see rocks in the shape of mushroom, commonly called mushroom rocks. Winds erode the lower section of the rock more than upper section. ठीक है, तो अभी क्या होता है कि it is mushroom rock. Mushroom rock क्यों form होते हैं? क्योंकि wind ने नीचे का section बहुत erode किया होता है as compared to the upper section. ठीक है, therefore such rocks have a narrow base and a wider top. When the wind blows, it lifts and transports the sand from one place to another. When it stops blowing, the sand falls and gets deposited in a low hill. ठीक है, sand deposit हो जाता है और छोटे छोटे hill like structures form हो जाते हैं. These hill like structures are called sand dunes. When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over long distances. When such sand is deposited in large areas, it is called loess. Large deposits of loess is found in China. Okay, so you can also see the image of 3.9 of sand dunes. Okay, thank you. So here we complete our one more chapter. Okay, that is our changing earth. Thank you.